हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया। देखो अनुराग, अभी जो चल रहा है टॉपिक उसको देख लो, उसके बाद फिर अपन समझ जाएंगे। तो अभी C++ के अंदर मैंने ऊप्स के अंदर, C++ में भी एक टॉपिक है जो ऊप्स है, उसमें मैंने इनकैप्सुलेशन डिस्कस कर दिया है। इसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर्स बता दिए हैं, पब्लिक का क्या यूज है, प्रोटेक्टेड का क्या यूज है, प्राइवेट का क्या यूज है। डिफॉल्टी बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, उसके बाद प्रोटेक्टेड को कैसे यूज करना है, ये एक्सेस स्पेसिफायर में पढ़ा चुका हूं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको बोला जाता है इनहेरिटेंस। क्या बोला जाता है? इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस इन C++। C++ का जो नया टॉपिक है इनकैप्सुलेशन के बाद, सेकंड इंपोर्टेंट फीचर जो है वो क्या है? इनहेरिटेंस। इस इनहेरिटेंस का मतलब होता है आप अपने कोड को रीयूज कर सकते हो। कल मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया था कि इधर जो फीचर्स आता है वो कोड रीयूजबिलिटी का फीचर्स आता है, मतलब कोड को आप रीयूज कर सकते हो इनहेरिटेंस के अंदर। ये भी बताया था इनहेरिटेंस के अंदर मल्टीपल क्लासेस यूज होती हैं और इन मल्टीपल क्लासेस में पेयरिंग के फॉर्म में होते हैं। एक क्लास को पेरेंट बोला जाएगा, दूसरी क्लास को चाइल्ड बोला जाएगा। तो यहाँ पर जो पेयर यूज होते हैं वो पेयर यूज हो सकता है या तो पेरेंट और चाइल्ड का पेयर, या तो जो पेरेंट और चाइल्ड का पेयर यूज हो सकता है, या फिर यहां पर यूज हो सकता है सुपर क्लास और सब क्लास का पेयर, या फिर हमारा यहां पर हो सकता है बेस क्लास और ड्राइव्ड क्लास का पेयर। सर इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब आप दो क्लासेस यूज करते हो, जैसे आपने एक क्लास बनाई ए, इस क्लास को बनाने का तरीका क्लास क्लास नेम करली ब्रैकेट ओपन, यहां पर डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन। एक क्लास को किया कंप्लीट और कंप्लीट करने के बाद आपने लगा दिया सेमी कोलन, एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी क्लास बना लेता हूं मैं, क्लास बी, इसका भी करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज सेमी कोलन से क्लास क्लोज, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन क्लास ए के हैं, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन क्लास बी के हैं। इसका अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इसका अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और ये पता है हमें ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है? जब दो क्लासेस यूज होती हैं और मैं चाहता हूं कि इस क्लास की प्रॉपर्टीज को इन इस क्लास के अंदर एक्वायर कर लूं, या फिर इनहेरिट कर लूं, या फिर यूज कर लूं, एक क्लास के अंदर कुछ डिफाइन किया हुआ है, उस डिफाइन किए गए मटेरियल को अगर मैं दूसरी क्लास के अंदर यूज करना चाहता हूं, मतलब कोड को आप रीयूज करना चाहते हो, उसको बोला जाता है इनहेरिटेंस। लेकिन इनहेरिटेंस का मतलब होता है टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज फ्रॉम पेरेंट क्लास टू चाइल्ड क्लास, टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज फ्रॉम पेरेंट क्लास, मतलब पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास के अंदर अगर प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना है या फिर एक्वायर करना है, वहां पर एक फीचर्स काम करता है C++ के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? आपको प्रॉपर्टीज को एक्वायर करना होता है इस वाली क्लास से इस वाली क्लास में, तो इसको बोला जाएगा पेरेंट क्लास और इसको बोला जाएगा पेरेंट क्लास से ऊपर वाली क्लास से इसके अंदर प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रहे हो। अगर आप यूज कर रहे हो ये वाला पेयर पेरेंट और चाइल्ड का, तो इसको बोला जाएगा पेरेंट, इसको चाइल्ड। अगर पेयर यूज कर रहे हो सुपर क्लास और सब क्लास, तो इसको बोला जाएगा सुपर, उसको सब क्लास के अंदर सब क्लास उसको बोला जाता है जिसके अंदर प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया जाता है, और जिससे किया जाता है उसको बोला जाता है सुपर। जिससे किया जाता है उसको या तो पेरेंट बोल दो, या फिर सुपर बोल दो, या फिर बेस बोल दो, और जिसके अंदर किया जाता है उसको बोला जाता है चाइल्ड ड्राइव या फिर सब क्लास। कोई डाउट?
अभी दो अलग अलग क्लासेस थी, लेकिन मैं जो इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को पढ़ते समय मुझे याद रखना है कि हम कोड को रियूज करने वाले हैं। जब आप कोड को रियूज करने वाले हो तो यहाँ पर लगाया जाता है कॉलन। इस कॉलन के थ्रू आप इसकी प्रॉपर्टीज को इसके अंदर एक्वायर करते हो। यहाँ पर लिखा जाता है विजिबिलिटी क्या, और ये विजिबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है पब्लिक पर, आपको पता है। एविजिबिलिटी डिपेंड करती है प्राइवेट पर, एविजिबिलिटी डिपेंड करती है प्रोटेक्टेड पर। एविजिबिलिटी डिपेंड करती है पब्लिक पर, प्राइवेट पर और प्रोटेक्टेड पर। और यहां पर लिखा जाता है कहां से प्रॉपर्टीज एक्वायर करना है, तो ए से करना है। तो अगर मैंने यहां पर विजिबिलिटी जो है वो यूज की पब्लिक, तो बन गई क्लास। मतलब इनहेरिटेंस जब आप यूज करोगे क्लास जिसके अंदर प्रॉपर्टीज को एक्वायर करना है उसके लिए कॉलन लगाना पड़ेगा, कहां से देखना है तो उसके लिए पब्लिक। ये अलग बताऊंगा बाद में कि प्राइवेट का क्या इंपैक्ट पड़ता है अगर मैं क्लास को प्राइवेट कर देता हूं, अगर प्रोटेक्टेड कर देता हूं तो क्या इंपैक्ट पड़ता है, अगर पब्लिक कर देता हूं तो क्या इंपैक्ट पड़ता है। और पब्लिक समझना इजी पड़ता है, इस वजह से पहले क्या ले रहा हूं, तो दो तीन वीडियो अपन इसके रिकॉर्ड कर लेंगे। एक तो ये हो गया पब्लिक का, दूसरा प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का, तो वन बाय वन आपको सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गया कि कैसे क्या करना है। अब एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि इसका यूज कैसे करना है C++ के अंदर प्रोग्रामिंग में। उससे पहले इनहेरिटेंस पता चल गया कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज को एक्वायर करना, इनहेरिट करना। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनहेरिटेंस के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, कितने प्रकार के इनहेरिटेंस होते हैं। तो पहला सिंगल लेवल, पहला होता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, जहां पर सिर्फ एक क्लास होती है और दूसरी ड्राइव क्लास होती है, जहां पर सिर्फ एक पेरेंट और एक चाइल्ड होता है, उसको बुलाता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। दूसरा होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, यहां पर मैं बताता जा रहा हूं, ठीक है ना। ये हमारे पास मान लो क्लास है और ये हमारे पास क्लास बी है। अब इसको एरे को ऐसे बना दो कि यहां से एक्सटेंड किया जा रहा है, तो ये हो गया सिंगल लेवल। दूसरा होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक पेरेंट का एक चाइल्ड, एक पेरेंट के कई चाइल्ड हो सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल से अगर रिलेट किया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एक पेरेंट है और उसका जो सन है, सन का सरनेम जो है वो पेरेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज जो है रियल लाइफ में सन के पास जो है वो कुछ पेरेंट से एक्वायर की गई है, ली गई है, और खुद की कुछ है। खुद की क्या है, उसका नाम, उसका नाम खुद का है लेकिन सरनेम जो है वो पिताजी का है। तो प्रॉपर्टीज कहां से ली जा रही है, पेरेंट से। तो प्रॉपर्टीज एक्वायर की जाती है पेरेंट से, चाहे जैसे फॉर एग्जांपल उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें आपका भी हिस्सा है, योगदान है, तो वो प्रॉपर्टीज ही तो एक्वायर की जा रही है। तो चाइल्ड जो होता है वो पेरेंट से कुछ प्रॉपर्टीज को एक्वायर करता है, और एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है। तो एक अगर पेरेंट है तो उसके मल्टीपल चाइल्ड, इसको बोला जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एक होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसको जावा में अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा के अंदर अचीव इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि एक हमारे पास ये है, नॉट पॉसिबल। एक चाइल्ड दो पेरेंट से प्रॉपर्टीज को एक्वायर नहीं कर सकता, लेकिन अचीव करने के लिए इंटरफेस होता है, वो जावा की बात है, ठीक है, ये नॉट पॉसिबल। एक चाइल्ड के दो पेरेंट नहीं हो सकते, चाइल्ड कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से पेरेंट को कॉल करना है, राइट। फोर्थ हाइब्रिड होता है और हायरार्किकल होता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है। तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हम पहले समझते हैं वन बाय वन, एक एक चीज को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो पहले समझते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को,
कैसे यूज करना होता है प्रोग्राम में। जैसे सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं। इस क्लास के अंदर हम विजिबिलिटी के लिए एक्सेस स्पेसिफायर रख देते हैं पब्लिक, इसके बाद कॉलन, इसके बाद वर्ड एम वन, और वर्ड एम वन के बाद इसकी बॉडी के अंदर क्या लिखते हैं, सी आउट एम वन मेथड ऑफ क्लास ए, ये पूरी बॉडी क्लोज। इसके बाद वर्ड एम टू मेथड, और इसके अंदर क्या करवा दिया, सी आउट एम टू मेथड ऑफ क्लास ए, ये कंप्लीट। इसके बाद ये पूरी क्लास की बॉडी यहां पर कंप्लीट, ए यहां पर कंप्लीट और ये यहां पर, गुड आउट। जब क्लास कंप्लीट होती है तो सेमी कॉलन के थ्रू उसको कंप्लीट करना पड़ता है। ये तो क्लास ए की काम कहानी हो गई। तो एक क्लास बी, जब आपको यहां पर क्लास बी यूज करना पड़ेगा, इस क्लास बी के अंदर भी कुछ यूज करना पड़ेगा आपको। एक मान लो मेथड है वर्ड एम थ्री, इसके अंदर आउटपुट मतलब आउटपुट क्या डिस्प्ले करवाते हैं, सी आउट एम थ्री मेथड ऑफ क्लास बी, एक बी जो है वो कंप्लीट हो गई। एक क्लास ए कंप्लीट, एक क्लास बी कंप्लीट। अभी किसी का किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, इसके अंदर खुद के मेंबर फंक्शन है और इसके अंदर खुद के मेंबर फंक्शन है, लेकिन आप इस क्लास की प्रॉपर्टीज को इसके अंदर इनहेरिट करना चाहते हो, इस कोड को रीयूज करना चाहते हो इस क्लास के अंदर। रीयूज करने के लिए कॉलन लगाना पड़ेगा, विजिबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी पब्लिक कि एक ही क्लास के मेंबर फंक्शंस बी में दिखने चाहिए, उसके बाद किस क्लास से आपको इनहेरिट करना है वो नाम लिखा जाता है। अब इसके अंदर जैसा ये लाइन तुमने लिखी, ये वाली जो लाइन तुमने लिखी, इस लाइन को लिखने के बाद क्या होगा, ए की प्रॉपर्टीज बी के अंदर आ जाएंगी, बी के अंदर बी की तो है ही, साथ साथ ए की भी आ जाएंगी। तो जब आप मेन मेथड बनाओगे या फिर मेन फंक्शन बनाओगे, क्या हो जाएगा, मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे, जब आप A1 का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो A1 से कॉल कर सकते हो किसको, M1 को। A1 से कॉल कर सकते हो क्या, A1 से इसको कॉल कर सकते हो, नॉट पॉसिबल। जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे B1 से, जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे B1 किसका, B क्लास का, अब B1 के थ्रू किसको कॉल किया जा सकता है, M3 को। लेकिन अब साथ साथ B1 से कॉल किया जा सकता है A के अंदर की प्रॉपर्टीज को, क्योंकि आपने इनहेरिट करवा लिया है। तो अब B1 से M1 को भी कॉल किया जा सकता है और B1 से M2 को भी कॉल किया जा सकता है। ये तो नोट करिए, एक इनहेरिटेंस को हमने कवर करवाया। कौन सा इनहेरिटेंस है, क्योंकि एक क्लास एक पेरेंट और एक चाइल्ड है, उसको बोला जाएगा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल है, एक प्रोग्राम है जिसको अपन ने यूज करके दिखाया कि प्रोग्रामिंग में कैसे इसको यूज करना है, ठीक है। क्लास बी बनती किसको, पब्लिक ए, क्लास सी बनती कॉलन पब्लिक क्या बी, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर मेन फंक्शन, इसके अंदर जो भी यूज हो रहा होता इसके अंदर आ जाता ऑटोमेटिक, इसके अंदर जो भी यूज हो रहा होता इसके लिए क्या है,
पेरेंट, और ये क्या है इसके लिए, ये क्या है पेरेंट, अरे सी के लिए भी हो गया पेरेंट, और सी के लिए भी क्या हो गया पेरेंट, और भी क्या हो गया सी के लिए चाइल्ड, इन दोनों में बात की जाए तो ये हो गया हमारे पास पेरेंट, और ये हमारे पास इसके लिए क्या हो गया चाइल्ड। तो ये हायरार्की की समझ में, इसको बोला था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसको एक बार इंप्लीमेंट करके देख लो प्रोग्राम को।